अरे यार क्या किया जाए यार, YouTube वीडियो पे एंगेजमेंट लाने के लिए। जोनाथन को कुछ उल्टा पुल्टा बोला? अरे नहीं यार, वो अच्छा बंदा है। तेरे से अच्छा होगा भाई, देख अगर एंगेजमेंट चाहिए तो जोनाथन के बारे में थोड़ा उल्टा बोल दे, उसको बोल दे कि एटीट्यूड में देख, उसका जो वीडियो डाला हुआ है ना, ये ह्यूमैनिटी और ये सब थोड़ा किसी को चैरिटी वाला भाड़ में जाए। व्यूज आएंगे ना? हाँ व्यूज तेरे को मस्त आ जाएगा। चल मैं भी तेरे साथ ही दे दूंगा। वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। एंड इंट्रो देख करके अगर कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली रचित्रो एक लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें ड्यूरिंग स्ट्रीम जोनाथन के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है। एंड ये स्टेटमेंट होता है मनु की तरफ से कि जोनाथन एक एरोगेंट पर्सन है। एंड यहाँ पर रचित्रो फिर फैन बेस के बारे में बात करते हैं कि उनका जो फैन बेस है वो भी काफी ज्यादा टॉक्सिक है। देन मनु ये कहती है कि यार उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको जो फील होता है वो यहाँ पर यही बात करेंगी। एंड यहाँ पर वो एक स्टेटमेंट पास कर देती है कि जोनाथन एरोगेंट है एंड वो भी टॉक्सिक है एंड उनका फैन बेस भी टॉक्सिक है। वेल रचित्रो यहाँ पर ऑन स्ट्रीम ये कहते तो है कि अगर ये क्लिप वायरल होती है तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद काफी सारी चीजें लेफ्ट राइट होते हुए दिखेंगी। सर एक और चीज है, जोनाथन पहले थोड़ा सा मोटा था एंड उसने भी अपना क्या लग रहा है, लग रहा है उनकी बात ली है। ये बंदा इतना एरोगेंट है ना, आई स्वेयर मैंने कभी नहीं देखा उसको। ये जोनाथन इतना ईगो वाला बंदा है। क्यों? मैंने देखा है इसको, मिली हूँ मैं, ठीक है मैं मिली हूँ इसको। ऑल राइट चैट, बट ही हैज लाइक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक ऑडियंस लाइक ऐसे। तो तेरे को रेडी हो जा, ये अगर तू वायरल, ये चीज अगर वायरल हुई ना तो तेरे को गालियां आने वाली है। आने दो, तुम जो भी मेरे को अगर ये बोलेगा कि तो बहुत गंदी लड़की है, ऐसे कैसे बोल दिया, तो तुम खुद गधे हो क्योंकि वो भी टॉक्सिक है, तुम्हारी ऑडियंस भी टॉक्सिक है, वो बहुत एरोगेंट इंसान है। आई मीन मेरी कभी बातचीत नहीं हुई उससे इतना ज्यादा, ठीक है, बट देखती भी नहीं उसको, उसने देर से बात करी नहीं थी। अरे मैंने कभी बात, मैंने उससे बात नहीं करी अभी जिन तक। हाँ तो पूरी तरह ना लाइक आयरल ऐसे कॉन्वो ही नहीं हुआ ऐसे करके, तो आई डोंट नो। अगर लेकिन एग्जांपल अगर मेरा आयरल ऐसा कॉन्वो होता और मुझे लाइक ऐसा लगता तो मैं स्ट्रेट अप बोलता। बट हाँ आरती एक बार जोनाथन को मिला था। हाँ। जितना मेरे को याद है किसी इवेंट में तो मिला था, इवेंट में मिले थे। हाँ, इस वाले इवेंट में मिला था। हाँ बट ही इज वेरी पॉपुलर ना, आई मीन जो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है ठीक है तो वो सीन हो ही जाता है। हाँ वो एरोगेंस वगैरह तो आ ही जाता है। उनको फर्क नहीं पड़ता है, बट सच कहूँ तो फर्क पड़ता है बिकॉज कुछ समय के बाद हमें एक अपॉलॉजी स्टोरी देखने को मिल गई, वो डायरेक्टली ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। हाय एवरीवन, सो मैंने अभी कुछ देर पहले एक स्ट्रीम किया था ऑन माई ब्रदर्स चैनल, ठीक है, एंड इन विच आई सेड समथिंग जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। आफ्टर द स्ट्रीम एंडेड मैंने उस स्ट्रीम को फिर से देखा एंड उस पार्ट को देखा एंड आई रियलाइज कि यस, मैंने जिस वे में वो बोला वो बहुत गलत था, ऑल्सो मेरे वर्ड्स भी गलत थे। आई अंडरस्टूड दिस आफ्टर द स्ट्रीम एंड ऑनेस्टली मेरा जो तरीका था वो गलत था, बट वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से वॉज समथिंग एल्स एंड जो डिलीवर हुआ वो बहुत ज़्यादा अलग था। एंड ऑनेस्टली आई रियलाइज कि मेरा वर्ड्स गलत था उस टाइम पे एंड फॉर देट आई एम रियली सॉरी टू जोनाथन एंड ऑल्सो टू यू ऑल। बट सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें और देखने को मिल गई, जैसे नियो की तरफ से हमें एक स्टोरी देखने को मिल जाती है ब्लैक पैंथर और दो प्लेट मोमोज। एंड इस स्टोरी के रिप्लाई के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले रचित्रो यहाँ पर ये बताते हैं कि उनकी क्रॉन्टन से बात हुई। जस्ट हैड अ टॉक विद क्रॉन्टन रिगार्डिंग व्हाट हैपेंड ऑन टुडे स्ट्रीम, ही अंडरस्टैंड इट वॉज एन इंटेंशनली एंड मनु एंड टेंजी डिड अ मिस्टेक, दे अपोलोजाइज टू बाकी टू एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस स्टोरी। एंड यहाँ पर वो आज दोपहर के 2 बजे क्रॉन्टन के साथ लाइव भी आएंगे, मनु और टेंजी के स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे एंड यहाँ पर सारी चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। ऑल्सो यहाँ पर नियो की स्टोरी के रिगार्डिंग भी बात करते हैं। ब्लैक पैंथर उन्होंने बोला उनकी सिस्टर मनु को बिकॉज शी इज ब्राउन एंड दो मोमो वाला थिंग बोला उन्होंने फ्रेंड उनके टेंजी को बिकॉज वो फ्रेंड उनका तिब्बत से है। देन यहाँ पर वो नियो को रिप्लाई देते हैं, भाई आपको भी कॉल करता हूँ ऑन स्ट्रीम, स्टोरी डिलीट करने का जरूरत नहीं था, इंटरनेट पे सब रहता है, इवन दो मनु एंड टेंजी का गलती है बट आई वोंट एक्सेप्ट रेसिस्ट कमेंट मेरी बहन पे और मेरी दोस्त पर। सुबह आज 2 बजे वो और क्रॉन्टन में लाइव देखने को मिलेंगे जहाँ पर रचित्रो नियो को कॉल भी करेंगे इस मैटर के रिगार्डिंग। बाकी खैर ये था कंट्रोवर्शियल वाला साइड, अब बात कर लेते हैं हम ई-स्पोर्ट्स की तरफ। सो कल के दिन के मैचेस के बाद ग्रुप 3 में ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात करें तो फर्स्ट पर हमें देखने को मिली कार्निवल गेमिंग, सेकंड पर हमें देखने को मिली ड्रैगन क्लॉ, थर्ड पर
पर हमें देखने को मिल गई इनर्शिया ईस्पोर्ट्स एंड अब लास्ट मैच तक ड्रैगन क्लॉ और वोल्टेक्स गेमिंग के बीच में कंफ्यूजन थी कि दोनों में से वो कौन सी टीम होगी जो क्वालिफाई करेगी, बट इवेंचुअली ड्रैगन क्लॉ थोड़ा सा ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आई वोल्टेक्स गेमिंग से, बट वोल्टेक्स गेमिंग ने यार काफी अच्छा ट्राई करा एंड काफी हाई चांसेस है कि वो टॉप 16 में अपनी जगह बनाते हुए नजर आएंगे ताकि वाइल्ड कार्ड एंट्री से वापस BGS में आ सके। बाकी एक टीम जिसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है वो है टीम हाइड्रा। वेल बेसिकली ग्राउंड 3 के ऑफलाइन मैचेस भी चल रहे हैं एंड हाइड्रा ऑफलाइन मैचेस में थी, उन्होंने 3 मैच के अंदर मात्र 9 पॉइंट गेन करे एंड बाकी 3 मैच में उनको 45 से ज्यादा पॉइंट चाहिए थे जो वो हासिल नहीं कर पाए। सो अनफॉर्चुनेटली हाइड्रा का सफर BGS से यहीं पर खत्म होता है। बाकी टीम टेमिलास क्वालिफाई कर चुकी है राउंड 4 के लिए। THW ई-स्पोर्ट्स और रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स भी आगे बढ़ते हुए नजर आ जाएगी आपको राउंड 4 के लिए। वेल बाकी अगर हम बात करें सबसे बड़े कमबैक की अब तक की, इट्स नॉट इनटू गेमिंग, इट्स नॉट इनटू ई-स्पोर्ट्स, इट्स इन क्रिकेट। वेल मैं बात कर रहा हूँ RCB की। RCB प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। आई नो इट्स नॉट अ गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स न्यूज़, बट क्या करें, बट यार IPL हम सब लोगों का सबसे बड़ा त्योहार होता है। सो वेल RCB फैंस आपके लिए खुशखबरी ये है कि RCB प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुकी है और CSK फैंस ने सारी ट्रॉफी है, कोई बात नहीं है, एक RCB के नाम हो जाए एंड बिल्कुल वो फाइनल वाली सिचुएशन में देखने को मिल गई थी, 2-10 चाहिए थे। बाकी खैर वीडियो में आगे बढ़े तो क्लच शॉट यहाँ पर बात करते हुए नजर आ जाते हैं चीटर के अगेंस्ट एक टिप्स एंड ट्रिक के बारे में कि मैच शुरू होने से पहले किसी भी चीटर को अगर लाइव बैन करवाना है मतलब BGS के अंदर ही तो आपको ये ट्रिक अपनानी चाहिए एंड बेसिकली वो क्या कहते हैं वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। क्या है जो भी राउंड 3 खेल रहे हो खेलो, आप पता है कैसे स्टार्ट करने से पहले रिपोर्ट मार दो आप गेम में लोगों को, पूरी लॉबी रिपोर्ट मार दो जो जो आपको लगता है, सबको रिपोर्ट मार दो भाई, सब फैला दो ये बात, हर एक बंदा एटलीस्ट 10-20 बंदे भी अगर सबको रिपोर्ट मारेंगे ना जो भी ले उसके बाद क्राफ्टर नहीं पकड़ा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, पर मार दो ब्रो क्योंकि मुझे जहां तक पता है ना कि अगर तुम रिपोर्ट मारोगे ना तो फिर वो लोग स्पेसिफिकली वो अकाउंट को ऐसा सर्वे करते हैं कि मतलब ये हैक अगर यूज करेगा ना तो इसके जैक निकाल देंगे ना हम लोग ऐसे। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं भी चलता हूं मित्रों आपसे अगली वीडियो में, साइनिंग ऑफ।